नियमों का पाठ पढ़ाते हुए यातायात प्रभारी ने लोगों को जागरूक कर शपथ दिलाई। बड़ी संख्या में गंगा एक्सप्रेसवे के कर्मचारियों एवं ग्रामीणों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंगलवार को सीडीएस इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के तत्वावधान में आमदपुर मार्ग स्थित गंगा एक्सप्रेसवे के साइट ऑफिस पर सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात के नियमों का पालन करने के लिए सीडीएस के कर्मचारियों एवं ग्रामीणों को जागरूक करते हुए यातायात प्रभारी अनुज मलिक ने शपथ दिलाई कि यातायात के नियमों का पालन करते हुए अनदेखी नहीं करेंगे और अभियान का हिस्सा बनकर दूसरों को भी जागरूक करेंगे ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल, साथ बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना, बाइक चलाते समय फोन पर बात ना करना, ड्राइव करने के दौरान शराब पिए ना होना, दस्तावेजों को पूर्ण करना, रोड पर अपना साइड चलना और तेज गति से वाहन को ना दौड़ाएं जैसे मुख्य नियम शामिल थे, जिनकी संयुक्त रूप से शपथ लेते हुए यातायात के नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। इस मौके पर थानाए केला देवी प्रभारी संजीव कुमार, IRB सेफ्टी हेड मोहित वर्मा, CDS के अधिकारी RP द्विवेदी, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, विकास अंजुमन परवेज, वेद प्रकाश सोनी आदि मौजूद रहे। प्रेस रिपोर्टर भी यहां पर आ गए हैं। हम उससे गुजारिश करेंगे कि वो TI साहब से कुछ जानकारी लेकर और उसको अपने माध्यम से जितना भी हो सकता है उतना उसका प्रचार करवाएं। धन्यवाद। आज क्या कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था, किस तरह की जागरूकता पैदा की गई? ये सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, इसका प्रोग्राम का समापन समारोह था। इसी के अंदर CDS इंटरमीडिएट कंपनी द्वारा प्रोग्राम आयोजित था। ये यातायात जागरूकता अभियान के अंदर जो हम दुर्घटनाओं में कमी ला सके इसके संबंध में एक जागरूकता अभियान था और ये कंपलसरी 7 दिन से कंटिन्यू चल रहा था। इसी के अंतर्गत आज हम लोग भी आए और यहाँ पर आगे लोगों को यातायात नियम पालन करने लिए प्रेरित किया और इससे संबंधित एक शपथ कराई गई जिससे सभी लोग यातायात नियमों का पालन कर सके। यानी इसमें CDS जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसके कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया? उसके कर्मचारी, उनके यहाँ पर जो चालक थे वो थे और जो यहाँ के आसपास के ग्रामीण लोग थे वो भी बुलाए गए थे जिससे दुर्घटनाओं में कमी ला सके और सभी लोग यातायात नियमों के प्रति पालन करने के लिए प्रेरित रहे।